Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Home Minister and the National President of the BJP, all the Honorable Chief Ministers who are present on the dais, all the Honorable Presidents of the different political parties that form part of the NEDA, all the Members of Parliament who are present out here, all the Honorable MLAs from the different states of different political parties, Honorable Ministers of the states of different political parties and governments, and all my dear friends who have come from different corners of the region to be part of this very, very historic day. Sir, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने एक बार फिर इस नेडा की मीटिंग में आप आए और आपने सबको मोटिवेट किया और नेडा का जो सबसे पहला मीटिंग जो हमने गुवाहाटी में किया था उस समय से आप हर मीटिंग में आप आए हैं और सर इससे हमें मालूम पड़ता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में फिक्र है और आप सच्चे मन से चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े और इसके लिए मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के सभी पब्लिक की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं सर नेडा का जो परिवार मैं परिवार कहना चाहता हूं सर हमारा जो नेडा का परिवार है बहुत सारे चैलेंजेस कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं अलग अलग इलेक्शंस में लड़े हैं अलग अलग सिचुएशंस हुए हैं लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सोच क्योंकि हमारा जो विजन है नॉर्थ ईस्ट के लिए क्योंकि आपका लीडरशिप हम सबको यहां पे गाइडेंस दे रहा है उसकी वजह से आज जो भी कठिनाई हमारे सामने आए मुझे विश्वास है कि नेडा का जो परिवार है वो उस कठिनाइयों का सामना करेगी और हम 100% हम लोग सक्सेसफुल आगे हमारी सोच में और हमारे सारे विजन में हम लोग सक्सेसफुल होंगे सर एक समय था मेरे पिताजी लेट किए सांगमा ने मुझे एक बार बताया कि वो जब एक मंत्री थे एक स्टेट एमओएस थे तो एक कैबिनेट मिनिस्टर आए दिल्ली से वो कांग्रेस के समय में था सर तो उन वो कैबिनेट मिनिस्टर ने एक छोटा नोट भेजा पीए सांगमा जी को और शायद प्रोग्राम गुवाहाटी में था तो उस मंत्री ने लिखा कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखा Mr. P.A. Sangma, can you please write down the names of the states and their capitals in the Northeast? Sir, aisa samay tha jab center ke logo ko Northeast ke states ke naam aur capital ke naam malum nahi the. Aur aaj dosto aap dekhiye hamare jo bhajpa ke jo adhyaksh hain jo hamare home minister hain wo state ke capital ke naam hi nahi sare leaders ke naam jante hain. ये फर्क है उन समय और आज के समय के बारे में सर नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े इमोशनल लोग हैं सर हम लोग का काम हो या ना हो रिस्पेक्ट चाहिए सर हम लोग गए कहीं पे कमरे में घुसने नहीं दिया तो हम लोग बोलते छोड़ो यार क्या नहीं चाहिए अगर देखा कि कहीं पे किसी को चाय दे दिया और हमको चाय नहीं दिया सर मतलब मामला खत्म ऐसे इमोशनल लोग हैं सर नॉर्थ ईस्ट के हम सर रिस्पेक्ट चाहते हैं सर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं और आज मुझे दिखाई दे रहा है कि नेडा में और आपके नेतृत्व में आज हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वो रिस्पेक्ट मिल रहा है सर
आज वो रिस्पेक्ट मिल रहा है। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा झगड़ा किया मैंने लोगों से, मुझे बाथरूम में घुसने नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे, दूसरी बात है वो पुलिस अफसर वहां पे कोई खड़ा था, सर झगड़ा किया मैंने। लेकिन सर ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन सर जैसे मैंने कहा कि समय ऐसा था जब हम लोग दिल्ली जाते थे, सर हम भी नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं, एमएलए थे, ऑपोजिशन लीडर थे, तो कहीं गए तो कोई मंत्री ने सर बैठने के लिए तक नहीं पूछा, ऐसा समय था। नॉर्थ ईस्ट का आ गया कोई, यार बैठाओ यार साइड में बाद में मिलते हैं। बिहार से कोई, यूपी से कोई आ गया 5-10 MP तो चाय पानी खाना वाना सब देना शुरू कर दिया। क्यों, नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत के लोग नहीं है क्या, हम भारतवासी नहीं है क्या? क्योंकि यूपी में 80 सीट है, वो लोग ज्यादा बड़े हैं, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि हर स्टेट में एक एक एमपी है, हम छोटे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा समय था जब हमें ऐसा महसूस कराया गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज आप दिल्ली जाएंगे, आप किसी भी मंत्री का ऑफिस जाइए, आपको चाय पिलाएंगे सर, काम हो ना हो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चाय आपको मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, और शायद काम भी हो जाएगा, मालूम नहीं, 16 समय लग सकता है। लेकिन सर यही फर्क मैंने देखा है, और मैं दिल से बोल रहा हूं सर, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। सर आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लोग हैं यहां पे सर बोलने के लिए, 2-3 चीजें सर नेड़ा के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। सर सबसे पहली चीज यही है कि आज अलग अलग रीजनल पार्टीज यहां पे साथ में है। सर आपने अपने स्पीच में सबसे पहले मीटिंग में कहा था कि नेडा के सभी मेंबर बिल्कुल एक सम्मान एक ही लेवल पर हैं, और आप भी एक नेडा के पार्टनर हैं। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं एक गवर्नमेंट रन करता हूं, आज मेरे यहां पे मंत्री लोग और मेरे एमएलए लोग नहीं हैं, क्योंकि आज मेरा असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन असेंबली सेशन में अटेंड नहीं करके आज मैं इस मीटिंग में आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मीटिंग बहुत जरूरी है। और सर आप मेरे मंत्रियों से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मंत्री से पूछिए, सर उनके इंफॉर्मेशन, उनसे बात किए बगैर, उनसे डिस्कस किए बगैर, सभी पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन और उनका अलग अलग इश्यूज को देखे बगैर मैं डिसीजन नहीं लेता सर, क्योंकि मैं हर पार्टनर को रिस्पेक्ट करता हूं। कोई भी मंत्री हो, उस मंत्री को अगर पोर्टफोलियो दिया गया है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। सीएम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और मैं करता भी नहीं हूं सर। सर मेरा आपसे निवेदन है कि इसी तरह हर स्टेट में होना चाहिए, जहां जहां हमारे नेडा के, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नेडा के सीन है सर, हमारे कैबिनेट कोलीग्स में एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को विश्वास होना चाहिए कि सारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और काम कर रहे हैं, नहीं तो सर उससे विश्वास गिरता है, कोलिशन इफेक्ट होता है, नेडा इफेक्ट होता है सर उससे। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू मैं चाहूंगा कि हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, जहां जहां हमारे सब स्टेट्स में है सॉरी मुख्यमंत्री सर, वहां पे हम लोग कोशिश करें कि हर पार्टनर को, जो जो कोलिशन में है मिनिस्टर है, उनको वो रिस्पेक्ट मिले सर। सर कुछ ऐसे नंबर दो बात सर, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे सर मेरी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी सर, हम लोग 4-5 स्टेट में हमारे पार्टी के एमएलए हैं, कहीं पे सर हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सर, कहीं पे नेडा में हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो भाई एनपीपी नेडा में है, जरूरत नहीं पड़ा तो एनपीपी नेडा में नहीं है, तो ऐसा भी एक माहौल है सर कुछ स्टेटों में कि जिस तरीके से अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो, नहीं चले तो भाई साइड कर दो। सर ये एटीट्यूड भी मेरे ख्याल से नेडा के लिए अच्छा नहीं है। एक ब्रदरहुड और एक परिवार का जो हमारा सिस्टम हम लोग ने चालू किया है, ये हर स्टेट में होना चाहिए। अगर कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नेडा में है, उनके अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेरे स्टेट में है, तो मुझे उन्हें सम्मान देना चाहिए, वो भी मेरे नेडा के पार्टनर्स हैं,
तो अगर मेरे स्टेट में अगर मैं उनको सम्मान दे रहा हूं तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि सर बाकी स्टेटों में भी मेरे एमएलए और मेरे पार्टी वर्कर्स को भी सिमिलर सम्मान वो नेडा का मिले सर। ये दूसरी बात है सर। सर तीसरी बात जो आज हमारे नेडा के कन्वेनर श्री हेमंत शर्मा जी ने आप सबको बताया कि जो इश्यूज नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जहां पे बहुत सरकारों ने कभी सिमिलर आई टू आई कभी नहीं देखा सर, शायद ये सही ओकेजन या सही अवसर है या सही समय है कि शायद हम लोग वो इश्यूज को हम लोग आगे बढ़ाकर हम लोग उनको रिजॉल्व कर सके। बॉर्डर इश्यू एक ऐसा इश्यू है सर जो हर स्टेट को इफेक्ट कर रहा है, और ये नहीं कि ये पिछले दो तीन साल की बात है सर, ये बिल्कुल शुरुआत से ये बात चल रही है। टफ डिसीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हम लोग एक बैठक में हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग के बीच में एक विश्वास है, क्योंकि ये एक परिवार है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी बात भी समझोगे और आपकी बात भी हम समझेंगे, तो ऐसे माहौल में शायद रास्ता निकल सकता है। तो मेरा सर ये मानना है कि नेडा की जो मीटिंग्स है, जो अलग अलग सीएम्स है सर, साल में एक बार नहीं सर, हम लोग नेडा का मीटिंग साल में एक बार मिलते हैं सर, फिर बाहर जाते हैं भूल जाते हैं सर। सर मैं चाहूंगा कि इसके बाद भी चीफ मिनिस्टर्स मिले, डिस्कस करें अलग अलग इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज ही नहीं लेकिन डेवलपमेंट इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इश्यूज, कोऑर्डिनेशन इश्यूज को हम लोग कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करें। ये मेरा आपसे निवेदन है और एक सजेशन है। सर आखिर में आपको मालूम है सर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल सर, ये एक ऐसा इशू है जिसे नॉर्थ ईस्ट में इसमें बहुत ही हमें एक इफेक्ट हुआ सर। सर इसमें मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्सों का, जो अलग अलग स्टेट्स है जैसे मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल है, मिजोरम, त्रिपुरा, बाकी सब नागालैंड, सिक्किम, सभी स्टेटों का एक इसमें इशू है। हम लोग को डर है सर, हमें डर है कि कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे स्टेट में ना आ जाए। आज एनआरसी का इशू हुआ, एनआरसी के इशू में 19 लाख लोगों को सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। मेरे स्टेट में डर है कि कहीं 19 लाख लोगों में से कुछ लोग शायद मेरे स्टेट में आ जाए। मैं तो बिल्कुल बॉर्डर में ही हूं आसाम के साथ, और जेन्युइन है सर, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। इसको हम लोग टैकल कैसे करें? आज सीएबी का इशू सर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का इशू, आज यहां पे डर है हमारे मन में कि आगे आने वाले समय में शायद बांग्लादेश से लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इसमें कोई रुकावट होगी क्या? इसमें कोई समय दिया जाएगा क्या कि यह समय के बाद हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे? या पिछले कुछ 10 साल 15 साल से पहले जो थे उसी को देखेंगे आगे नहीं देखेंगे? इसमें क्या सोच है सर? शायद नॉर्थ ईस्ट के लोग इसको जानना चाहेंगे। हमारे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में इश्यूज कि भाई ये सिटीजनशिप का जो होगा क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा? अगर हमने इसको प्रपोज नहीं किया और उसको हम लोग ने एग्जामिन करने के लिए और समय लिया तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बाईपास करेगी? डर है सर हमें। तीसरी बात, हमारे यहां पे खुद की हमारे 6 शेड्यूल एरियाज हैं, कहीं पे हमारे आईएलपीज हैं, हमारे मेघालय स्टेट में रेजिडेंसी एक्ट है, क्या हमारे ये एक्ट सीएबी में अमेंडमेंट के समय या बदलाव के समय या जब इसको आप सोचेंगे या जो भी आपके मन में है, क्या ये लोकल लॉज जो है स्टेट के लॉज ये भी अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? क्या आप बोलेंगे कि नहीं स्टेट के रूल्स बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे, हम सेंटर से ही करेंगे? डर है सर हमें। सर हम जानते हैं कि आपकी सोच क्या है इस मामले में, लेकिन सर ये मैं आपसे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सर जब डॉक्टर भी अगर मैं बीमार भी हूं और डॉक्टर मुझे बोलेगा ये दवाई है और जबरदस्ती मेरे मुंह में डालेगा सर शायद बाहर थूक के फेंक दूंगा, लेकिन अगर कोई बीमार है और उस बीमार आदमी को समझाएंगे कि इस दवाई को खाइए आपके लिए अच्छा है
और इसको खाने से ये नहीं होगा, इसको खाने से ये नहीं होगा, लेकिन इसको खाने से देश की भलाई होगी। सर मेरे ख्याल से लोगों को अगर हम लोग बुलाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं, अलग अलग स्टेट्स के लीडर्स को बुलाएं, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, एक माहौल हो, डिस्कशन हो, सर मुझे विश्वास है कि हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग इसको नहीं निकाल सकेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन इसमें स्टेट्स के इंटरेस्ट देखने होंगे सर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के और अलग अलग कम्युनिटीज के इंटरेस्ट हमें देखना चाहिए सर, ये मेरा आपसे आग्रह है। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में और आपके जो लीडरशिप में ये सब इश्यूज को आप जरूर एड्रेस करेंगे और आप नॉर्थ ईस्ट के इंटरेस्ट को आप कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है सर। सर इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और हमारे जो कन्वेनर है मिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। सर आज नेडा जिस लेवल तक पहुंची है ये उनके काम और उनके पूरे डेडिकेशन की वजह से आज नेडा इस लेवल तक पहुंची है। तो मैं अलग से भी सर डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जो उन्होंने कहा, जो लास्ट में उन्होंने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आज हम लोगों ने 8 स्टेटों में आज नेडा के सरकार है, इसके लिए हमें खुश होकर अगर हम बैठ जाएंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। नेडा के 8 स्टेटों में हमारी सरकार होने की वजह से दोस्तों हमारा काम अब शुरू हो रहा है। अब हम लोग जो बदलाव लाना चाहते थे, जो हम देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दूसरे भाग, भारत के दूसरे भाग के साथ सेम लेवल नहीं, उनसे आगे हमें जाना है, उनसे और आगे बढ़ना है। One of the most developed parts of the nation is what the Northeast must become, and we have the potential to become it. And I know that with the leadership that we have in this room, with the leadership of Mr. Amit Shah and all the people in the political parties, I know that we will be able to achieve that dream of taking the Northeast forward and making it one of the most prosperous parts of this nation. So, with this, friends, with this few words, friends, once again, thank you so much for having come here for this meeting. All the ministers and all the officials who have come here, all the members of parliament and MLAs, all of you have come here. Thank you so much for taking this meeting. And once again, sir, आपको भी एक बार फिर आपने अपने busy schedule से समय लिया और आप यहाँ पे आए, इसके लिए एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Jai Hind.